बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की खजाना लूटने वालों के लिए नई मुसीबत। कौम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। फेडरल बॉर्डर रेवेन्यू ने गैर कानूनी दौलत छुपाने के लिए मुतहदा अरब इमारात में सरमायादारी के जरिए रिहाइश हासिल करने वाले पाकिस्तानी शहरियों का डेटा हासिल करने का दावा कर लिया। एफ बी आर का गैर कानूनी तौर पर दुबई में जायदादें बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, ये बताने से पहले आपको बता दें कि अरब इमारात से पाकिस्तान ने डेटा हासिल कैसे किया और उसकी तहकीकात का सिलसिला कब शुरू हुआ। दुबई लैंड डिपार्टमेंट से पाकिस्तानी शहरियों का उदय दुबई में आज से 10 अक्टूबर के दरमियान होने वाले 3 रोज़ा इजलास के मौके पर हासिल किया गया। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी बनाए टैक्सेस साजदा कौसर ने करी। तमाम दुबई लैंड डिपार्टमेंट पाकिस्तानी शहरियों का डेटा फराहम करेगा जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर छुपाने के गर्ज से काम हासिल किया हुआ है। एफ बी आई ने 22 अगस्त को मुतहदा इमारात को खतरनाक करार दिया था जिसमें सरमाकारी के रिहाइश पजीर हासिल करने वाले तमाम पाकिस्तानियों का डिटेल मांगी गई थी, मालूम फरमा की दरख्वास्त की गई थी। दुबई में होने वाली मुलाकात मुतहदा अरब इमारात के हुकाम के भेजे जाने वाले खत के तराजुल में हुई थी। तो मुतहदा अरब इमारात का कानून ने खास हद तक सरमाकारी की बुनियाद पर है मुल्की कोई काम हासिल करने की इजाज़त देता है। मुतहदा इमारात के जानिब से मालूम वसूल हुई कि 3,620 अकाउंट यहाँ गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में इस मामले को अहमियत दी। तमाम ज़्यादा बैलेंस रखने वाले अकाउंट की तादाद ना होने के बराबर है। एफ बी आर में मौजूद ज़रा ने बताया कि हमने कार्रवाई से कबल दादो शुमार के असूल के लिए सारा डेटा UAE हुकाम को वापस भेज दिया है। इससे कबल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तहकीकत के इदारे से मुतहदा इमारात ने पाकिस्तानी शहरियों की सरमाकारी से मुतलिक डेटा हासिल किया था, लेकिन सिर्फ 20 से 30 केसेस में नोटिस जारी किए गए और 40 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब मिसारी जाने से दुबई में खरीदी जाने वाली जायदादों पर अस्कुर नोटिस लिए जाने के बाद ये मुकदमा की पैरवी की गई थी। इन मुकदमा में वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान से मुतलिक केस में शामिल था जिन्होंने मुतहदा इमारात में जायदाद छुपाने पर टैक्स देकर जुर्माने की मद में 2,94,00,000 रुपये अदा किए थे। एफ बी आर का इंटरनेशनल टैक्सेस विंग BLT की जानब से टेंडामी के डेटा की जांच पड़ताल करता है और टैक्स चोरी करने वाले अफराद की शनाख्त में चंद रोज लगेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से पाकिस्तानी शहरियों की तादाद डेटा के मुकम्मल तजिए के बाद हो सकेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा है कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट एफ बी आर को दुबई में मौजूद पाकिस्तानी के साजों की तहकीकत पर फराहम करेगा। समाजी जाति की वेबसाइट ट्विटर पर किए गए ट्वीट में कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम की 9 और 10 अक्टूबर को असासों के मालिकान की मालूम के तबादले मुतहदा इमारात के हुकाम से मुलाकात हुई। शबर जदीन ट्वीट ने मजीद कहा था कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट फौरी तौर पर दुबई में पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम करेगा और एक अकामे की गलत इस्तेमाल से भी निपटा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि FBR मुतहदा अरब इमारात में गैर कानूनी जायदादें बनाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। FBI इंटरनेशनल टैक्सेस विंग डेटा की जांच कर रहा है और दुरुस्त रिहायशी पते और शनाख्त वालों के बाद उन अफराद को टैक्स अदायगी के नोटिस भेजे जाएंगे जिसके बाद इन अफराद को हर सूरत टैक्स अदायगी के हवाले से मालूम फराहम करने के साथ साथ टैक्स अदा करना होगा। यहाँ आपको ये बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को भी सुप्रीम कोर्ट ने अरब इमारात का एक अमानत छुपाने जुर्म में ही नाइल किया था।